गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जैसे कि पहला हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वट इज़ कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है और हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर फादर ऑफ़ कंप्यूटर कौन किसे कहते हैं इस तरह से हम कई सारे फैक्ट्स और बेसिक नॉलेज है जो कंप्यूटर के बारे में वो पढ़ेंगे इसके बाद है वेन वाज कंप्यूटर डिस्कवर्ड कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ या खोज कब हुई पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के असेंशियल पार्ट्स जो कि ज़रूरी हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए तो ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अब जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर क्या है मैंने आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया है कि कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो बहुत सारे काम कर सकती है इट इज़ यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर अब आप देखेंगे कि स्कूल में बैंक में हॉस्पिटल में शॉपिंग मॉल्स में और भी कहीं कई कही जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए मॉल्स में बिल्स बनाने के लिए एंट्री करने के लिए स्कूल्स में स्टडी के लिए और बहुत बैंक में अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड पेमेंट वगैरह डिटेल वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर हमें बहुत सारे काम को करने में हेल्प करता है और हम इस पर कौन कौन से काम कर सकते हैं ड्रॉ पिक्चर्स जैसे कि हम इस पर ड्राॅइंग कर सकते हैं आप लोग करते हो ना पेंट ब्रश पे ड्राॅइंग बनाते हो तरह तरह की टाइप लेटर्स लेटर टाइप करते हैं आप लोग जैसे कि लेटर लिखना होता है एप्लीकेशन टाइप का लेटर या फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स प्ले गेम्स गेम्स भी खेलते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं गेम्स खेलना सॉल्व सम्स हम मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसा आप लोगों ने एक्सेल में किया था वॉच मूवीज एंड कार्टून्स हम कार्टून्स और मूवीज देख सकते हैं और लिसन म्यूजिक और हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं तो समझ में आया बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ कि कंप्यूटर में हम क्या क्या कर सकते हैं जैसे मिलिट्री सर पहला है ये मिलिट्री सर्विसेज़ मिलिट्री सर्विसेज में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं डाटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करने के लिए हेल्थ केयर में डिजीज़ डायनोस करने के लिए गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं इंजीनियरिंग में आजकल बहुत सारे जो सभी इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें सभी में कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है चाहे वो प्रोजेक्ट बनाना हो चाहे वो आर्किटेक्चर हो जो ऑटो कैड के थ्रू डिज़ाइन बनाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ भी अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड अकाउंट डिटेल्स वगैरह मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं सबसे ज़्यादा ट्रेमेंडस जो यूज़ होता है वो एंटरटेनमेंट फील्ड में होता है जो आप लोग एनिमेशन मूवीज देखते हैं या जो बहुत सारे इस तरह के मूवीज में आप लोग देखते हैं कि जो स्पेशल इफेक्ट्स डालते हैं मूवीज़ में जैसे डायनासोर मूवीज में डायनासोर बनाए गए थे तो ये कंप्यूटराइज थे ये ओरिजिनल नहीं थे डायनासोर तो अब पृथ्वी पे है ही नहीं तो वो सब किससे बनाना पॉसिबल हो पाया था कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू तो एंटरटेनमेंट तो इंडस्ट्री जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर रही है इसके बाद है कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन मीन्स कि जब हमें किसी को मैसेज भेजना है यानी मेल भेजना है व्हाट्सएप करना है या कुछ और भी इसी तरह से हमें डाटा सेंड और रिसीव करना है वीडियो भेजना है पिक्चर्स भेजनी है तो हम कंप्यूटर के थ्रू भेज पाते हैं तो कम्युनिकेशन में या ऑनलाइन चैट करनी है यहाँ से मतलब एक जगह से बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का इस्तेमाल भी बहुत शुरू से होता आ रहा है यानी जो आप देखो आजकल के समय में सबसे ज़्यादा जो बैंक इसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप घर बैठे किसी को भी पैसे भेज पाते हैं रिसीव कर पाते हैं तो हम बैंकिंग बैंक में भी और कस्टमर्स की डिटेल भी अपडेट हो जाती है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल बैंक में भी बहुत आयत होता है इसके बाद है मार्केटिंग में आप मार्केट जाओ शायद ही एक आध दुकान ऐसी मिले जहाँ पर आपको कंप्यूटर ना मिले हर कंप्यूटर पे कहीं पर एंट्री करने के लिए कहीं पर आपको बिल वगैरह बना के देने के लिए इस तरह से मार्केटिंग में बहुत यूज़ होता है इसके बाद आपका आता है एजुकेशन एजुकेशन में तो आप देखते ही आप कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करते हैं कंप्यूटर पे आपको जब फंडे होता है फिल्म शो भी होता है कंप्यूटर पे ही आपको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वगैरह बनाने को मिलते हैं और कंप्यूटर के थ्रू आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे कि आप अपने आप को अपडेट कर सकें अगला पॉइंट है आपका साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है कि जब आप साइंटिफिक जो साइंटिस्ट लोग होते हैं और वो लोग अपने रिसर्च में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी इक्वेशन कैलकुलेशन जो भी वो करते हैं वो कंप्यूटर के पर उनके कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर से थोड़े से अलग होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और वो पावरफुल होते हैं स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और कॉस्ट भी उनका ज़्यादा होता है एज़ पर हमारे कंप्यूटर के मुकाबले इसके बाद है बिज़नेस बिजनेसमैन भी कंप्यूटर पर ही अपना सारा रिकॉर्ड रखते हैं इसी के थ्रू अपने कम्युनिकेट करते हैं अपने डीलर से अपने डिस्ट्रीब्यूटर से और इसी के थ्रू वो अपने जो पैम्फलेट वगैरह होते हैं या बिजनेस डील्स होती वो क्रैक कर पाते हैं तो समझ में आया बच्चों कि हम लोग कंप्यूटर पे कितने सारे काम कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स आपका आता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है वैसे तो कंप्यूटर को मैंने क्विज कराया था उसमें बताया था कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म वो कंप्यूटर का हिंदी में जो नाम होता है उसे कहते हैं संगणक ठीक है लेकिन कंप्यूटर का जो सारे लेटर्स होते हैं हर लेटर्स का एक मीनिंग होता है जैसे कंप्यूटर जो वर्ड है वो सी ओ एम पी यू टी ई आर लेटर से मिलकर बना है तो सी फॉर होता है कॉमन ओ फॉर ऑपरेटिंग एम फॉर मशीन पी फॉर परपजली यू फॉर यूज़्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च यानि कम्प्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि टेक्नोलॉजिकल एंड एज मतलब टेक्निकली और एजुकेसन के लिए रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है सबसे पहले तो इसको इसी लिए यूज़ किया कैलकुलेसन के लिए यूज़ होता था जब सबसे पहले कम्प्यूटर बनाया गया था तो उस समय इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता था लेकिन धीरे धीरे इस इसमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट होते गए तो ये बहुत सारे पर्पस को सॉल्व करने लगा तो इसलिए इसका जो कॉम फुल फॉर्म है वो है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च नेक्स्ट पॉइंट्स था आपका फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक किन्हें कहते हैं तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाली ये हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर की है यानी चार्ल्स बेबिज इन्होंने सबसे पहले जो एफर्ट सबसे पहला एफर्ट्स इन्होंने किया था कंप्यूटर को बनाने में क्योंकि इन्होंने जो दो मशीनस बनाई थी एक थी ये एनालिटिकल इंजन और दूसरी थी ये डिफरेंस इंजन ये दो मशीनें बनाई थी इन्हीं को बेस बांध कर इसी में और ज़्यादा चेंजेस और रिसर्च वगैरह कर करके इसे और अपडेट करते करते आज जो हमारे सामने कंप्यूटर का रूप आया है वो इसी में आया है चार्ल्स बेब जो थे वो लंदन के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन बनाया था उन्होंने उस समय इस तरह का उस समय जो मशीन थी उसमें ये स्टोरेज कैपेसिटी और इस तरह से जो आज के समय में स्टोरेज पावर और ये डाटा हैंडलिंग ये सब नहीं था इन तब उस समय ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती थी धीरे धीरे बाद में इन मशीनों में बहुत सारे चेंजेस किए गए और बेस यही मशीन थी इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर वाज डिस्कवर्ड यानी कंप्यूटर की डिस्कवरी कब हुई थी तो द फर्स्ट कंप्यूटर दैट रिजेंबल्ड द मॉडर्न मशीन वी सी टूडे वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स बेबे बिटवीन 1833 एंड 1871 तो जो पहला कंप्यूटर था जिस हम आज जिसको रिजेंबल कर पाते हैं आज की मशीन से आज के कंप्यूटर से वो ऐसा माना जाता है कि चार्ल्स बैवेज ने 1833 से 1871 के बीच में बनाया था वो तो बहुत परेशानियां हुई थी क्योंकि इतना फंड नहीं था इनके पास ख़त्म भी हो गया था लेकिन फिर भी वो उन्होंने कोशिश की और यहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले जो एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन बनाया था उसी को बेस उसी बेस पर आगे चल के कंप्यूटर बन पाए ही डेवलप्ड अ डिवाइस द एनालिटिकल इंजन एंड वर्कड ऑन इट फॉर नियरली फोर्टी ईयर्स उन्होंने इस डिवाइस पे, यानी इस मशीन पे, जो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था उसको बनाने में और उस पर काम करने में लगभग लगभग चालीस साल फोर्टी ईयर्स निकाल दिए इट वॉज अ मकैनिकल कंप्यूटर दैट वॉज पावरफुल इनफ टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन और ये एक तरह का मकैनिकल कंप्यूटर था जो इतना पावरफुल था कि सिंपल कैलकुलेशन कर सकता था उस समय ऑटोमैटिक आप तो सिर्फ कैलकुलेशन कर पाता है तो उस समय कैलकुलेशन ऑटोमैटिक हो रहा था वही बहुत बड़ी बात थी आज के समय में तो हमें ये सारी बातें छोटी लगती हैं लेकिन उस समय जब सब कुछ मैन्युअली हो रहा था और ऐसे में कोई ऐसी मशीन आती है जो अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर ले तो थोड़ा उस समय उस समय के हिसाब से अद्भुत था तो उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो कैलकुलेशन कर पाती थी और उसके लिए उन्होंने अपने जीवन के चालीस साल लगा दिए नेक्स्ट है आपका देखिए कि ये जो फ़र्स्ट कंप्यूटर था हमारा कैसा दिखता था जो बनकर आया था वो कुछ इस तरह से दिखता था ये स्क्रीन थी कीबोर्ड भी उसी पे अटैच थे और इस तरह का लकड़ी का बॉक्स था तो इस तरह से दिखता था आज के कंप्यूटर इसके मुकाबले में आपने देखे हैं किस किस तरह के दिखते हैं है ना अब तो इतने छोटे आने लग गए हैं लैब पहले तो इतने बड़े होते थे कि उनका साइज़ एक एक कमरे के बराबर था उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था जिसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी हीट बहुत जनरेट होती थी जिसकी वजह से एसी लगवाना एयर कंडीशन लगवाना बहुत ज़रूरी होता था एक रूम में दो दो एसी लगाए जाते थे तीन तीन तब कहीं वो कंप्यूटर फंक्श ठीक से फंक्शन कर पाता था अदरवाइज गर्मी की वजह से उसकी वैक्यूम ट्यूब अक्सर ख़राब हो जाया करती थी तो उसके बाद धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने ट्रांजिस्टर को तो उसका साइज कम हुआ रेड्यूस हुआ और उसका जो हीट जो हीट वो प्रोड्यूस करता था वो भी कम हुआ उसके बाद और चेंजेस हुए ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया आईसी से आईसी ने रिप्लेस किया वी सी उसके बाद आया आपका Uh, सबसे लास्ट में अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर अब इसके बाद रिसर्च चल रही है लगभग लगभग कंप्लीट होने को ही है ए जो हमारी पाँचवीं जनरेशन आएगी वो ए की आएगी जिसकी स्पीड हमारे दिमाग की तरह होगी जैसे हम सोचते हैं और काम सोचते ही हो जाता है वैसे ही वो हम सोचेंगे और काम हो जाएगा तो इस तरह से हम फोर्थ जनरेशन में चल रहे हैं फिफ्थ जनरेशन एआई जब सब तक पहुंच जाएगा इजिली अवेलेबल हो जाएगा और कॉस्ट इफेक्ट इतना कॉस्टली भी नहीं होगा तब मानेंगे कि फिफ्थ जनरेशन आ चुकी है अभी तो रिसर्च चल रही है अभी सभी के पास नहीं है कुछ ही है तो अगला अगले पॉइंट पे आते हैं अगला पॉइंट है बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जैसे कि आप लोग लैब में देख ही रहे हो और देखते भी हो कि बेसिक यानी अगर हमारे पास हम कंप्यूटर लेना चाहते हैं बहुत सारी एक्सेसरीज उस पर ना हो लेकिन कुछ पार्ट्स तो होने ही चाहिए जिससे हम कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट कर सकें तो उनमें मेन पार्ट्स जो आते हैं वो होते हैं सबसे पहले सी जिस जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है और सारी एक्सेसरीज इसी से अटैच होती हैं दूसरा होता है मोनीटर जिसपे आप जो भी काम कर रहे हो उसको देख पाते हो ठीक है ये रहा आपका मॉनिटर, ये रहा आपका सीपीयू। इसके बाद तीसरी जो ज़रूरी है वो है कीबोर्ड कीबोर्ड से आप लेटर टाइप कर पाओगे कैलकुलेशन कर पाओगे और भी बहुत सारे शॉर्टकट कमांड्स यूज़ कर पाओगे चौथा है माउस और माउस से आप कोई भी फाइल फोल्डर पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो सेलेक्ट कर सकते हो सेटिंग चेंज कर सकते हो तो ये चार जो आपकी डिवाइस हैं ये कंपलसरी हैं इसके अलावा ये जो है प्रिंटर है तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का काम है प्रिंट आउट लेना है या नहीं लेना है तो उस पर तो ये मेन जो फोर पार्ट्स होते हैं ये कंप्यूटर सेट के लिए असेंशियल होते हैं ज़रूरी होते हैं इसके बाद आप जितना जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इस पर एक्सेसरीज़ ऐड कर सकते हो जैसे कि प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंटर लगा खरीद के लगा सकते हो स्पीकर लेना है गाने सुनने हैं मूवीज़ देखनी है तो स्पीकर का यूज़ कर सकते हो वैसे इसमें जो नए सिस्टम आजकल आते हैं बिल्ट इन स्पीकर्स होते हैं उनको आप आसानी से सुन सकते हो लेकिन लाउड वॉल्यूम रखना है तो एक्सटर्नल स्पीकर भी आप यूज़ कर सकते हो माइक वॉइस रिकॉर्ड करनी जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसमें माइक का इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी वॉइस आप तक पहुँचाने के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए ठीक है तो इस तरह की ये जो बेसिक पार्ट्स हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे वेब कैमरा होता है वेब कैमरे का इस्तेमाल करके आप पिक्चर और मूविंग और स्टिल इमेज को कैप्चर कर सकते हो ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हो जैसे कि स्कैनर होता है आप टेक्स्ट या इमेज को स्कैन करके अपने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर सकते हो जैसे कि लाइट पेन होता है जिससे आप ग्राफिक के लिए यूज कर सकते हो ज्वाइस्टिक होती है जिससे आप एनिमेशन या गेम खेल सकते हो एनिमेशन कंट्रोल कर सकते हो तो ये सारे इसके एक्सटर्नल पार्ट होते हैं जो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं बट बेसिक पार्ट्स जो मैंने आपको बताए वो ये होते हैं तो बच्चों आपको समझ में आया इसके बाद हमारा आता है क्विज टाइम कि देखें आपने क्या सीखा पहला क्वेश्चन है नेम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अब कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा सबसे स्टार्टिंग में भी बताया है और आपको कई बार क्लास में भी बताया है तो आप सब बच्चे जो है वो इसको कमेंट्स में लिख के मुझे आंसर करेंगे दूसरा क्वेश्चन है नेम द फादर ऑफ कंप्यूटर इस वीडियो को देखते देखने के बाद हर बच्चे को पता तो हो ही गया होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है तो आपको उनका नाम याद रखना है साथ में उनके नाम की स्पेलिंग भी याद रखनी है जिससे आप सही लिख सकें और सही प्रनाउंस कर सकें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कंप्यूटर अस टू डू डैश पिक्चर यानी कंप्यूटर जो है हमें पिक्चर क्या करने में हेल्प करता है तो कंप्यूटर हेल्प अस टू डू डैश पिक्चर याद करो डी से वो शब्द है डी फॉर ड्रॉ पिक्चर यानी कंप्यूटर हमें पिक्चर ड्रॉ करने में हेल्प करता है इसके बाद है इन स्कूल कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर कंप्यूटर जो है स्कूल में किस लिए यूज़ किया जाता है ये तो आप सबको पता होगा तो आप फटाफट लिख कर कमेंट्स करिए और बताइए कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूल में किस लिए करते हैं नेक्स्ट है वी कैन हेयर साउंड ऑन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अगला है कि हम कंप्यूटर पे अगर किसी और एक्सेसरीज की हेल्प से पेरिफेरल की हेल्प से सुनना चाहते हैं साउंड को तो क्या ऐड कर सकते हैं उसमें अभी आपको बताया था कि इन स्पीकर होते हैं लेकिन अगर आप लाउड वॉल्यूम रखना चाहते हैं तेज सुनना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल क्या ऐड कर सकते हैं याद आया कुछ तो आपको यहाँ पे आंसर लिख कर बताना है कमेंट करके बताना है और लास्ट है आपका नेम कंप्यूटर कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं मैंने आपको पिक्चर में दिखाया भी था और बताया भी था तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताने हैं ठीक है बच्चों और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं तो ठीक है कल आप इसे तैयार करके लाएंगे और अच्छे से रीड करके लर्न करके आएंगे तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू